नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अगर आप मेहनती हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है, तो जुड़िए यूसीसी रेडीमेड शर्ट कंपनी के साथ। यूसीसी कंपनी को यूपी के सभी जिलों में डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसी होल्डर चाहिए। हमारे यहाँ कुशल कारीगर और आधुनिक विदेशी मशीनों से बेहतरीन शर्ट तैयार की जाती है। इसी के साथ कंपनी को कुशल कारीगर, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉलर, ड्राइवर, चपरासी और रिसेप्शन के लिए लड़के और लड़कियों की जरूरत है। हमारा पता है सुल्तानपुर प्रतापगढ़ मार्ग, दुर्गापुर बाजार, जिला अमेठी। सुल्तानपुर में अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए काफी ज्यादा नाराज हुए। इन सभी ने माफिया जनप्रतिनिधियों की सूची पढ़ते हुए बुलडोजर चलवाने की मांग की। अमेठी में निःशुल्क नेत्र जांच प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन अलनूर पब्लिक स्कूल वादिये अशरफ सिंदूरवा रोड उतेलवा में किया गया, जिसमें 415 मरीजों की जांच की गई। रायबरेली में रोटरी क्लब के मेगा स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों मरीज पहुंचे। यहां 594 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। अयोध्या में गीतांजलि पब्लिक स्कूल का दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया गया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर विजय बहादुर सिंह रहे। प्रतापगढ़ में एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सीओ सिटी सुबोध गौतम ने भूपिया मऊ चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की। बहराइच में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन करते हुए लोगों की काउंसिलिंग कराई गई। ये कार्यक्रम पुलिस लाइन में किया गया। बहराइच के थाना नानपारा में डीएम और एसपी ने पीस कमेटी की बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर धर्मगुरुओं को शांतिपूर्वक त्योहार मनवाने की अपील की। जौनपुर में मछली शहर के सांसद ने पत्रकारों को सम्मानित किया। इस दौरान सांसद ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जौनपुर में डीएम मनीष कुमार वर्मा और एसपी अजय पाल शर्मा ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार के कर्मचारियों में काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जौनपुर में एसपी के निर्देश पर बलवा मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने पानी की बौछार और आंसू के गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया। जौनपुर में मेरा गांव मेरा कर्तव्य अभियान की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन भजन गायक पद्मश्री अनूप जलोटा ने किया। लखीमपुर खीरी में सहकारिता मंत्री ने निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। ये कैंप GIC ग्राउंड में लगाया गया है। लखीमपुर खीरी में एसपी नेपाल सिंह के नेतृत्व में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था चेक की गई। यहां एएसपी के साथ साथ सीओ सदर संदीप सिंह भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट में आउटसोर्सिंग पंप चालकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ये सभी ईपीएफ का बकाया न मिलने से परेशान हैं। लखीमपुर खीरी में थाना उचौलिया परिसर में एसपी ने थानाध्यक्ष कक्ष का उद्घाटन किया। एसपी ने बताया कि यहां जल्द ही जर्जर हुए कक्षों की मरम्मत भी कराई जाएगी। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।